मेरा नाम बलराज है, मैं 14 साल का हूँ। मैंने ये सोचा नहीं कि क्या मैं क्या बनूंगा, मैंने ये सोचा है कि मैंने क्या नहीं करना। मैंने ट्रक ड्राइवर नहीं बनना। After agriculture, the sector which has generated maximum employment in India is the transport sector. An Indian truck driver is on the road every day of every month. मेरा नाम सर मनोज है। हमारा तो वैसे सर छोटी गाड़ी में 24 घंटे की नौकरी है इसमें। Manoj has now been driving for 18 years, making his way across the country, delivering everything from fruits and vegetables to iron bars and building material. गाड़ी में रहना पड़ता है, गाड़ी में सोना पड़ता है, अपने को और क्या करना। Today, a doctor's son becomes doctor with much pride, an engineer's son an engineer. But you would never find a truck driver's son aspiring to be a truck driver. Have you ever wondered why? ड्राइवर की कोई जिंदगी नहीं है, क्यों रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं। अभी जैसे माल खाली करना है, नींद आने लग गई तो उसको जाना ही पड़ेगा। पास में रह गया तो 100 किलोमीटर भी रह गया तो उसको जाना पड़ेगा। कैसे ही मुंह धोके चाय पी के जाना ही पड़ेगा, नहीं सुबह मालिक बोलेगा तुम वहां क्यों नहीं गया, खाली क्यों नहीं की, दिन खराब हो गया। It's surprising to know that over 1,39,000 people die on roads every year, out of which 26,678 die due to sleep deprivation. सर वैसे पीछे का बड़ी बड़ी कंपनियों का दबाव रहता है, कोरियर का माल होता है, वो सो नहीं पाते, इसलिए वो नींद में गाड़ियाँ लग जाती है गाड़ियाँ, ये ड्राइवर के ऊपर दोष हो जाता है, ये सारा दारू पी रखा होगा। An average Indian driver does rest for 8 to 10 hours, but effectively sleeps only 2 to 3 hours a day. He cannot go to a motel, park his vehicle and sleep. This is because the theft on highways is also widespread. The fear of getting robbed of diesel, goods or cash forces them to remain alert even at nights. व्यवस्था तो गाड़ी में यही होटल वाला सेल देता है व्यवस्था। कई कई होटल वाले तो ऐसे भी हैं, खाने के बाद में ये कह देते हैं चलो यहाँ से हटाओ। खाना खाने के बाद में होटल वाले हटवा देते हैं गाड़ी, तो नींद में चलेगा। 10 किलोमीटर में लोग, 20 किलोमीटर में लोग, 50 किलोमीटर आगे भी हो सकते हैं होटल। In 1982, for 1,000 trucks, there were 1,300 drivers available. In 1992, for 1,000 trucks, 1,000 drivers. In 2002, for 1,000 trucks, we had only 890 drivers. And in 2012, for 1,000 trucks, we have only 750 drivers available. This means over 25% of the country's total available trucks remain stranded due to lack of drivers. क्या हर आदमी है ना जिसके पास गाड़ी रोको तो पुलिस वाला है तो 50 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, आरटीओ है तो 500 रुपए दे दे। पुलिस वालों का गंदा काम है सर, हर जगह में जो कुछ भी रुका लेते हैं, पैसे निकालो ऐसे करते हैं, कुछ भी फाइल निकाल देते हैं, पैसे देना पड़ता है, फिर पैसे देने के बाद फिर गाड़ी को निकालने देते हैं, कुछ भी फाइल निकाल देते हैं, कुल मिला के उनको तो पैसा लेना है। Despite their bone-breaking hard work, the driver has never got the respect he deserves. Even now, the truck drivers are looked upon with unconcealed disdain. पहले के time driver का value था, इज्जत था। driver को पहले मैं चलाता थी, time driver को ले जाता था, चलो चाय आई पियो नाश्ता करो। आजकल तो driver को बाहर निकलो उधर side रहे। time ऐसा आ चुका है। पहले इज्जत थी driver का। driver को इज्जत दे 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 बैठने, खाना पीना के सब। अब आजकल ड्राइवर का कुछ इज्जत नहीं है, क्या आज इज्जत कहाँ ड्राइवर का, इसीलिए धंधा धीरे धीरे डाउन हो रहा है। Unless these hard working truck drivers are given due respect and honor, the country's transport sector can never prosper in the right way. मेरे बच्चे हैं सर 3, एक तो है सर 5 साल का, दूसरा लड़का है 12 साल का और लड़की है 7 साल की। नहीं मैं तो अपने बच्चों को ड्राइवर तो बनाना नहीं चाहता। अरे नहीं सर, मेरे बच्चों को ड्राइवर नहीं बनाऊंगा, मेरे बच्चे को ड्राइवर सिखाने का ही नहीं, ये लाइन बहुत गलत है, मेरे बच्चे को सिखाने का ही नहीं।
मैं पूरी नाइट खराब कर रहा हूँ तो बच्चे के लिए तो खराब कर रहा हूँ। Sadly, none of the transport companies in the country have ever realized the plight of these drivers. Driver aur ek desh ka fauji dono barobar hai. Samjhe na, wo bhi ghar se bahar dur rehta hai, ye bhi ghar se bahar rehte hain. To samasya inke raste mein aati rehti hai. But despite all these facts, his importance is never recognized. The truck driver represents the corpuscles of the country's flowing blood. With no movement of blood in its veins, how long will our country survive? So, is there no hope for the driver fraternity? Is everything heading towards a dead end? Agarwal Movers Group and AITWA, which represents India's transport industry, believes that the truck driver is the fighting soldier of our country's economic system. Agarwal Movers Group's driving motivation was to give something back to the transport sector, which would ensure its fast progress and development. It has been India's ancient and glorious tradition to repay the obligation in some way. Driver Service Center is a manifestation of this vision. According to the Indian tradition, the greatest honor you could give anyone is by touching their feet. In Driver Service Center, every driver is welcomed by washing his feet. This infuses confidence and self-respect in a driver's mind. सर हमने तो कभी 18 साल में ये देखा नहीं है ड्राइवरों का भी पैर कोई छूता है। आज हमने तो पहली बार देखा है। ड्राइवर की भी इज्जत है। When Agarwal Movers Group started the Driver Service Center, their intention was to repay some obligation to the industry which had driven them to the pinnacle of success. The center sprawls on a 50-acre land having 7 buildings built inside with a parking facility for over 250 trucks at a time. It has 500 cots for drivers to have a comfortable sleep. 10 barbers from Agarwal Movers Group regularly give their services to the drivers. Properly maintained bathrooms are available. A center of small repairs is available where they can have their vehicle repaired. A well-equipped ambulance is always kept ready to help anyone in need. After much research, Agarwal Movers Group realized that the greatest charity they could do was not of money or goods. It was the charity of sleep and dignity that the drivers craved for. With this CSR initiative, one driver service center takes care of 15,000 drivers per month. The direct impact of this revolutionary CSR initiative is that it is saving 41 lives every month, which could have been lost due to sleep deprivation. It is hoped that if all the big industrial houses and government facilities join this campaign, then this initiative has the ability to create a new epoch in the transport business. बहुत अच्छा लगा साहब, यहाँ हर सुविधा हो रही है, बहुत अच्छा लगा। ड्राइवरों के लिए अब तो कुछ हो रहा है। Make my judgment sound as steel and be my hands upon the wheel. Bless the driver going past and teach him not to go so fast. Give me strength for every trip so I may care for what they ship. And make me mindful every mile that life is just a little while. Amen.